अभी हम मौजूद हैं गुमला जिला के पालकोट प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके में। सुंदरडी घाघ है ये, घाघ यानी जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पर आकर निश्चित रूप से आप ये महसूस करेंगे कि प्राकृतिक सुंदर वादियाँ बीच जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो पानी गिर रहा है वो अनायास लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर लगातार पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। पुराने साल की विदाई का मामला हो या नए साल के स्वागत का मामला हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर जश्न मनाने का एक बेहतर स्थल बना दिया लोगों ने। स्टार्ट होने वाला है तो ये 2023 का एंडिंग हम लोग अच्छा बनाने के लिए पालकोट आए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है जो हम लोग को एकदम लगता है, और यहाँ इतना नेचर के बीच में है, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी मैनमेड थिंग्स नहीं है, यहाँ जो है नेचुरल ब्यूटी है। सो 2024 का अच्छा से वेलकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ताकि हम लोग का जो न्यू ईयर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, और 2023 को हम लोग जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, उसको हम लोग अच्छा से मनाएं कि ओके दिस ईयर हैज़ गॉन एंड 2024 इज़ कमिंग। यहाँ पर यहाँ का जो झरना है वो वास्तव में काफ़ी अनोखा है, यहाँ का काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसे सुंदर और अच्छे जगहों को थोड़ा विकसित करें, ताकि लोग परिवार के साथ आ सके तो उन्हें कष्ट का अनुभव ना हो। अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा सरकार का ध्यान जाएगा तो ये जगह वास्तव में काफ़ी अच्छी जगह है, लोग यहाँ आना चाहेंगे और हर साल आना चाहेंगे। हम लोग को भी आके हैं काफ़ी अच्छा। पालकोट में सुंदरडी जगह आके बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब फैमिली फ्रेंड मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसा दोबारा आने की हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। इतना प्यारा नज़ारा आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, बच्चों के संग खूब खाएं पिए मस्ती किए, अभी हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे खास क्या लगा, ज़्यादा अच्छा? सबसे खास हम लोग ये झरना ही बहुत अच्छा लगा, इतना मस्ती, इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है हम लोग सब लोग इसमें एक बार ज़रूर इंजॉय करते नहाते, लेकिन फिर कभी आएंगे हम लोग तो फिर से इस पल को दोबारा इंजॉय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्य की भी बात कर सकते हैं कि ये स्थल इतना आकर्षक होने के बावजूद भी आने जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी जटिल है। इस रास्ते पर यहाँ पर पहुँच पाना, जो जंगलों के बीच से जो रास्ता है वो काफ़ी संकीर्ण रास्ता है। अभी भी हम जब यहाँ आए हैं तो लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हमने अपनी गाड़ी को छोड़ रखा है, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद वो शारीरिक थकान वो पूरी तरह दूर हो जाता है, क्योंकि प्रकृति की जो सुंदर वादियाँ वो निश्चित रूप से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित करती है कि प्रकृति की सुंदर वादियों के बीच में जब पहुँचते हैं तो अद्भुत नज़ारा देखना है तो झारखंड के इलाकों में आ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये स्थान ना तो जिला प्रशासन ने चिन्हित कर रखा है, ना ही राज्य सरकार के ध्यान में है, जिसका मुख्य कारण यह है कि राज्य में अब तक पर्यटन को विकास को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। अगर पर्यटन के विकास को लेकर सही रूप से कार्य योजना बनाई गई होती तो निश्चित रूप से झारखंड के पर्यटन के मानचित्र पर यह स्थापित होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उत्तराखंड चले जाइए, मसूरी चले जाइए, देहरादून चले जाइए, वहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है कई नेचुरल ब्यूटी को बनाया गया है, लेकिन झारखंड की साथ एक खासियत है कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी पूरी तरह से प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। बावजूद इसके इसका विकास नहीं हो पाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि झारखंड सरकार पर्यटन के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। अगर इन स्थलों का सही रूप से विकास किया जाए तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों को आय का एक बेहतर साधन मिल सकता है, इस आसपास में रहने वाले लोगों की खरीदारी और बिक्री का माध्यम बन सकता है यहाँ आने वाले टूरिस्ट, साथ ही साथ सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। जब हम बात करते हैं पर्यटन विकास की बात करते हैं तो उसके लिए यह इलाका काफ़ी बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है सूबे में किसी की भी सरकार रही हो, उस सरकारों ने केवल खनिज संपदा पर ध्यान दिया है, झारखंड के पर्यटन के विकास को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। हालांकि पिछले दिनों सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखाई थी, बावजूद इसके जो कार्यशैली होना चाहिए था पर्यटन के विकास को लेकर वो नहीं हो पाया, जिसका मुख्य परिणाम या जमीनी स्तर पर सच्चाई देखना है तो इन स्थलों को देख सकते हैं। ये स्थल झारखंड के मानचित्र पर नहीं है, झारखंड के पर्यटन सरकार पर्यटन विभाग का जो मानचित्र है उस पर यह स्थल मौजूद नहीं है, जिसके कारण स्पष्ट कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार पर्यटन के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करते हैं आप इस सुंदर जो जलप्रपात है यहाँ पर आइए और यहाँ अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। आने में रास्ता थोड़ा सा जटिल जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन संध्या होने से पहले आप यहाँ पर आ सकते हैं, सुरक्षित इलाका है, आराम से फैमिली के साथ आइए, ग्रुप बनाकर आइए और इस स्थल का एंजॉय करिए। निश्चित रूप से आप एक अनोखी अनुभूति महसूस करेंगे। जंगलों के बीच में बसा हुआ इलाका निश्चित रूप से लोगों को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और यहाँ आकर जो मस्ती महसूस करेंगे वो बार बार आप आना चाहेंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।